नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टैटिक्स के अंदर। और फ्रेंड्स, ये YouTube पे इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर हम आपको टीचिंग एग्जाम के सभी टॉपिक को ट्रिक से कवर कराते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। सो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हमारा टॉपिक दिख ही रहा होगा जो कि ये मुहावरे और लोकोक्तियां, जिनको कि आज हम ट्रिक के साथ कवर करने जा रहे हैं, जिसका कि ये पार्ट टू होगा। इससे पहले हम इसका पार्ट वन कवर कर चुके हैं, और पार्ट वन को हमने बहुत ही प्यारे और मजेदार के साथ कवर किया था। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो उस पार्ट वन का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाके उस पार्ट वन को देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट टू को देखिए। सो फ्रेंड, ये जो वीडियो है यूपी टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को उन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, यहां से उनके दो नंबर पक्के हो जाएंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत ही प्यारा क्विज भी लगा रखा है। क्विज के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि यूपी टेट के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अब इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी क्वेश्चनों के आंसर को सेकंडों के अंदर उड़ा दोगे। सो फ्रेंड, बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो के अंदर कुछ मुहावरे हैं, इसके अंदर कुछ लोकोक्ति है। सो फ्रेंड, मैं इनको कैसे डिफाइन करूंगा, इनको बोलूंगा मुहावरे कम लोकोक्ति, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्ट आपसे इनका अर्थ पूछा जाएगा कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के साथ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्ति है, ठीक है? तो जैसे कि अभी पहला देखिए, पहला है एक अनार सो बीमार, ठीक है? ये मुहावरा कम लोकोक्ति के नाम से मैं इसको रखूंगा, ठीक है? एक अनार सो बीमार, कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट वो है। एक अनार सो बीमार का मतलब क्या है, वस्तु कम व मांग अधिक होना, ठीक है? अब सीधी सी बात है, इसको कैसे याद कर लेंगे भाई? देखो, अनार तो एक है लेकिन उसको चाहने वाले, उसको खाने वाले, बीमार लोगों को क्या खिलाया जाता है, अनार खिलाया जाता है, लेकिन खाने वाले उसको सो है। तो सीधी सी बात है, वस्तु तो हमारे पास बहुत कम है लेकिन उसकी मांग क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है, ठीक है? तो यहां से पहला हो गया एक अनार सो बीमार, वस्तु कम व मांग अधिक होना, ठीक है? अब अगला देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बेमेल चीजों का मिश्रण। अब देखिए भाई, क्या होता है, कई आपने फोटो देखी होगी ना, उसके क्या होता है, आधी साइड तो क्या होता है, एक आदमी बना होता है, आधा आदमी, और दूसरी आधी साइड उसको औरत बना दिया जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये होता है, एक तरीके से बेमेल चीजों का मिश्रण कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक क्या है, फोटो में आधी साइड तो तीतर बना दिया आधा, और दूसरी उसकी आधी साइड क्या बना दिया, बटेर बना दिया। तो ऐसी चीजों क्या बोलते हैं, बेमेल चीजें बोलते हैं, ठीक है? बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा तीतर आधा बटेर क्या हो गया, बेमेल चीजों का मिश्रण, ठीक है? हो गया याद। अभी देखिए आगे, नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जिनका नाम अधिक हो पर गुण कम हो, ठीक है? अब ऊंची दुकान से मतलब ये नहीं कि वो बहुत ऊंची हाइट में ऊंची होगी, ऊंची दुकान का मतलब है यहाँ पे ऐसी दुकानें जो वहां की फेमस हो, फेमस दुकानें होती है, ठीक है? ऊंची दुकान में फेमस दुकान, लेकिन फीका पकवान, लेकिन वहां का जो खाना है ना वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे केस में होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब जिनका नाम तो अधिक हो लेकिन गुण उनमें क्या हो, कम हो, ठीक है? यहाँ पे ये भी हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तीन कनौजिया तेहरा चूल्हे, ठीक है? इसका क्या मतलब है, छुआछूत और अलगाव की दशा, ठीक है? अब इसको कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कनौजिया होते हैं धोबी, धोबी जो मतलब छोटी जाति के लोग होते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, जो बड़ी जाति के लोग होते हैं, जो बड़े जो समाज के जो लोग होते हैं, बड़ी जाति के लोग, वो क्या करते हैं, देखो, तीन कनौजे मीन्स तीन धोबियों को तेहरा चूल्हे ला देते हैं, कि भाई कहते हैं ये तुम्हारा साल भर का कोटा रहा, ठीक है? तुम्हें हमारे घर आकर किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मानते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हमें ना ही छुए तो ही ठीक है, क्योंकि वो अभी भी छुआछूत और अलगाव की दिशा को मानते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे अलग रहना चाहते हैं, उनको छूना नहीं चाहते, ठीक है? तो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा, जैसे तीन कनौजे तेरह चूल्हे आएंगे तो कि छुआछूत और अलगाव की दशा, ठीक है? अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारी जो मुहावरे कम लोकोक्ति है वो है कान का कच्चा होना, ठीक है? कान का कच्चा होना, इसका क्या मतलब है, सुनी हुई बातों पर विश्वास करना, ठीक है? अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो जो कान होता है, कान हमारा कान किसके काम आता है, कि कोई भी बात सुनने के लिए, ठीक है? लेकिन कान का कच्चा होना, एक होता है कच्चा और एक पक्का। अब कहते हैं पक्की खबर लेके आया हूँ, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे क्या है, कच्चा, तो मीन्स कच्ची खबर, इसका मतलब क्या है कि वो किसी की सुनी सुनाई बात पर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है, किसी की सुनी सुनाई बात पर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये तो कान का कच्चा है,
ठीक है, क्योंकि जो बात इसने सुनी है बस उस पे है, मान गया इसने, विश्वास कर लिया। तो कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है। नेक्स्ट है नाक रगड़ना। अब नाक रगड़ना तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, फिल्मों में भी देखा होगा। नाक रगड़ता है जब भी जो हीरो का, जो हीरो का फादर जो होता है वो विलन के सामने, कई बार उसको बचाने के लिए नाक रगड़ता है, मीन्स गिड़गिड़ाता है, ठीक है, विनती करता है। ये सब आपको पता होगा, नाक रगड़ना मीन्स गिड़गिड़ाना, विनती करना। नेक्स्ट है ऊंट की चोरी, निहूरे निहूरे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रकट हो जाने वाले काम को छिप छिप कर करना, ठीक है। अब देखो निहूरे 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 का मतलब क्या होता है, झुक कर किसी काम को करना, ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति है ऊंट की चोरी कर रहा है, अब ऊंट तो छोटा सा तो है नहीं, अब ऊंट तो दिखेगा सबको, लेकिन वो ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं झुक झुक के जा रहा हूँ ऊंट को, उस यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब सीधी सी बात है, सबको पता चल जाएगा, प्रकट होने वाले काम को छिप छिप कर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ऊंट की चोरी निहोरे निहोरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छिप छिप कर करना। आगे देखिए, नेक्स्ट है आंख की किरकिरी होना, ठीक है। आंख की किरकिरी होना मीन्स अप्रिय लगना। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, वो बता देता हूँ। देखो आंख की किरकिरी, आंख की किरकिरी कब हो जाती है, जब आंख के अंदर कोई कोई चीज, कोई मिट्टी के कण चले जाते हैं, ठीक है, तब आपकी आंख किरकिरी हो जाती है, मीन्स आपको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मीन्स कोई कुछ कोई भी चीज आपको प्रिय नहीं लगती, मतलब कि सभी चीजें आपको क्या लगती है उस टाइम पे, खराब लगती है, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों में के अंदर धूल चली गई तो आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, और इरिटेशन होगी तो सारी चीजें क्या लगेगी, अप्रिय लगेगी, मीन्स खराब लगेगी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आंख की किरकिरी होना मीन्स अप्रिय लगना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गांठ का पूरा। गांठ का पूरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुहावरे कम लोकोक्ति है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, धनी व मालदार, ठीक है। अब देखो गांठ को जोड़ लेंगे गठड़ी से, ठीक है, और पूरा को मतलब पूरी। अब पूरी पूरी गठड़ी, पूरी पूरी गठड़ी किसकी, नोटों की, पूरी पूरी नोटों की गठड़ी किसके पास होगी, जिसके पास बहुत ज्यादा माल होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा या फिर धनी होगा, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा माल मीन्स पैसा होगा, धनी होगा, वो इसी के पास तो पूरी पूरी नोटों की गठड़ी होगी। तो जैसे ही आ जाएगा गांठ का पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा धनी मालदार। नेक्स्ट देखिए, सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना होता है पीछे पड़ना, ठीक है। ये तो हम मोस्टली यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, कि भाई कोई आपका छोटा भाई जैसे कि आपके पीछे पीछे चला जाता है, जहां पर भी आप कुछ भी काम करते हो वहां पर आपके पीछे पीछे पहुंच लेता है, ठीक है। तो आप उसको नहीं कहते क्यों मेरे सिर पे खड़ा हुआ है, चला जाना, ठीक है। तो क्या कहते हो कि भाई क्यों मेरे सिर पे खड़ा हुआ है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है तू, ठीक है, मेरे सिर पर सवार मत रह, मेरे पीछे पीछे मत आ, तू चला जा, ठीक है। तो सिर पर सवार रहना मीन्स पीछे पड़ना, ठीक है। सो आई होप अभी ये सारे मुहावरे कम लोकोक्ति आपको याद हो गए होंगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बढ़ते हैं क्विज की तरफ और देखेंगे उसमें पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका आप अभी सेकंडों के अंदर जवाब दे दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। सो अभी बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। सो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कान का कच्चा होना, ठीक है, कान का कच्चा होना, सीधे दिमाग के अंदर पूरी ट्रिक घूम जाएगी। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, कम सुनना नहीं, दूसरा सुनी बातों पर विश्वास करना, ठीक है, जो सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते वही कान के कच्चे होते हैं ना, पूरी ट्रिक आपके दिमाग घूम जाएगी। जो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने भी सेकंड इसका राइट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट की चोरी निहूरे निहूरे का अर्थ है। अब देखिए मैंने क्या बताया, निहूरे निहूरे में झुक झुक कर, अब झुक झुक के ऊंट की अगर कोई चोरी करेगा उसको लगेगा कि भाई मैं तो सेफली जा रहा हूँ, लेकिन सबको, अब ऑब्वियसली बात है ऊंट की चोरी करेगा तो सबको दिखेगा ही कि भाई ऊंट की चोरी ले करके ले जा रहा है वो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, कि भाई बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, कोई बड़ा काम कर रहा है ऊंट को चोरी कर रहा है, लेकिन क्या वो छिप कर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऊंट की चोरी निहूरे निहूरे का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, जो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। अब ये मैंने अभी आपको बताया था, गांठ का पूरा, पूरा को हम जोड़ लेंगे पूरी से, गांठ को किससे जोड़ देंगे, गठड़ी से, ठीक है, गांठ को किससे जोड़ दिया हमने, गठड़ी, पूरी पूरी गठड़ी किसके पास होती है, जो मालदार व्यक्ति होता है, जिसके पास माल होता है, जिसके पास पैसा होता है, जो धनी होता है, उसी के पास पैसे की क्या होती है, पूरी पूरी गठड़ी होती है, ठीक है। तो इसका फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख की किरकिरी होना, ठीक है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। तो इसके चार ऑप्शन है, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना,
या बहुत प्रिय होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दे। सो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। और आप फ्रेंड्स इसका आंसर आपको जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना ही है। ठीक है, सो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी मजेदार और खतरनाक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।